सो राइट नाउ इट्स 11:58 एंड रीजन में इतने आराम से बोलूँ क्योंकि सब सो रहे हैं, कंप्लीट साइलेंस है। लाइक अगर मैं चुप हो जाता तो इतना साइलेंट है ना घर में। सो दैट्स व्हाई मैं बहुत ऊंचा नहीं बोल रहा हूँ। तो अभी समय आ चुका है गुड बाय करने का, तो मैं अभी तक अपना शट डाउन करता हूँ। एंड अभी ये खुलेगा कल रात के 12 बजे। अब इसको बोलेंगे एडिटिंग करने के लिए क्योंकि मेरे को परसों वीडियो पब्लिक करने से सैटरडे को, तो एक दिन शूट है उस दिन 12 एड करते मेरे को वीडियो एडिट करनी पड़ेगी। इट्स गोइंग टू बी टफ, बट उससे ज़्यादा टफ क्या होने वाला है वो है उठना यार। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक यूज़ नहीं करा मतलब आई कांट यूज माई मोबाइल फोन इटसेल्फ एंड आई कांट पुट अ अलार्म, सो इट्स गोना बी टफ, लेट्स सी। सो गुड मॉर्निंग, इट्स राइट नाउ 10 एंड आई फाइनली वोक अप। वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली उठा हूँ, अब ब्रश वगैरह फ्रेश वगैरह होता हूँ एंड आई थिंक सिर में थोड़ा ऑयल भी लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत रुके बाल हो रही है। आई नो वॉल्यूम बहुत सही है बट अगेन से अगर रुके बाल नहीं तो टूटेंगे, चाहे तो मैं हेल्दी बाल ले सकता हूँ या फिर बढ़िया वॉल्यूम वाले बाल। सो hey, good morning people, what's up the boy, I'm back again with all new video। तो भाई जैसा बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा था, आज की वीडियो होने वाली है लिविंग विदाउट इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्ट माई कैमरा 424 चैलेंज। देखो यार इस वीडियो को करने के सबसे बड़े दो रीजन थे, पहले तो ये बहुत लीड कंटेंट है, दूसरी चीज मैं कि यार एग्जांपल सेट करना चाहता था ऑल दोस किड्स जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं 15-16 साल के। तो भाई मैं लिटरली ना बहुत सारी चीजें गायब होती जा रही है, वो यार कुछ भी कह लो, बाहर खेलना हो गया, दोस्तों के साथ खेलना हो गया। अब यार मैं बहुत बारी नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चे लिटरली बच्चे छोटे छोटे बच्चे पार्क में बैठे इकट्ठे बट पबजी खेल रहे हैं, सीओसी खेल रहे हैं, सीओडी खेल रहे हैं, मतलब लिटरली इकट्ठे हुए हैं लेकिन गेम्स खेलने के लिए। सो ये वीडियो उनके लिए कि भाई लोग सुनो, बिना फोन के भी यार बहुत एपिक मस्ती जीवन के अंदर हो सकती है एंड ये वीडियो उसी के लिए है। बहुत ऑफी चीज होने बट अभी स्टार्ट करते हैं डे। ऑल द मैं सुबह उठते पहली चीज करता हूँ सबसे सबसे बेकार चीज है वो है सोशल मीडिया चेक करना, बट क्या करें यार पार्ट ऑफ द जॉब, लेकिन आज वो नहीं कर सकता हम। तो आज अपन पढ़ेंगे कोई किताब एंड यस ऑल द मैं उठता म्यूजिक के साथ हूँ बट मैंने कल रात को ही एलेक्सा बंद कर दी थी, सो दैट्स व्हाई आई कांट अभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करी। तो कौन सी किताब पढ़े लच्छी एंड मेरा बहुत टाइम से मन है ये वाली किताब सीखने का, मैंने अभी तक पूरी थी ये थिंक एंड ग्रो रिच। सो आई एम गोना रीड दिस एंड आई विल सी उसके बाद क्या करता हूँ, मैं भी खाना खाऊंगा क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी हुई है, कल रात को मैं कुछ नहीं खाया था। सो आई मीट यू लेटर बॉयज। सो टाइम टू हैव माय ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के अंदर बाजरे की रोटी, ये सब्जी, गुड़ और लस्सी, चटनी की कमी पर ना और स्वाद आ जाता है तो मैं इसको फट फट खाता हूँ। एंड आज एक और वेट चीज़ होगी कि आज मैं खाना खाते हुए कोई एनिमे नहीं देख सकता हूँ, जो मेरी बहुत बुरी आदत बन चुकी थी कि खाने खाते हुए आई वांट सम एंटरटेनमेंट एंड आई हैड दिस एंड आई विल मीट यू गाइस लेटर। अब यार घर बैठा बैठा बोर हो रहा था, कुछ करने को स्पेशली था नहीं तो सोचा बाहर निकल लेते, मेरे को कॉलेज में थोड़ा सा काम था एंड फिर सोचा थोड़ी देर अक्षय के पास चले जाएंगे एंड आई जस्ट होप वो घर पे हो क्योंकि ऑब्वियसली आई कांट कॉल हिम सो आई डोंट नो वेयर ही एग्जैक्टली इज बट आई गॉना सी दैट एंड आई थिंक उसको टीचर भी अंदर ही बुला लो। इसकी सर्विस कराने से ज़्यादा नहीं की चल गया अयो वहाँ तक ही पहुँच जाए यार। क्या हाल है चाचा? कंची आ गए। तो भाई साहब अब भैया को उठा लिया और भैया जी को हमने कल ही रात को बता दिया था कि हम फोन यूज नहीं करेंगे, कॉल नहीं कर सकते, तो आप तैयार है ना? हाँ तो हम तैयार थे और साथ में गोटियाँ लेके आए हैं, बट पहले एक बार कैंप में जा रहे हैं, हमको एक तो जो सन ग्लास चाहिए कोई फोटो के लिए अच्छा सा सन ग्लास चाहिए। तो वाह भैया फुल फोटोबाजी है, पहले तो पर 30 रुपये का तेल मिलवाएंगे, 60 रुपये का चश्मा लेंगे। अच्छा फाइनली आ गए कैब में एंड वी आर ट्राइंग टू हंट दी सनग्लास फॉर सम फोटोज। ज़्यादा रुपया है नहीं, इसका तेल गिरवा लिया तो देखते हैं।
इधर देख। हाँ ठीक है, अरे भाई ये भी सही लग रहा है। देखा ये भी बढ़िया लग रहा है। तो भाई लोग घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो चश्मे लेने के लिए आ गए थे वैसे फोटो वगैरह के लिए। भैया की शॉप पे आए थे, क्या नाम है भैया, मनोज भैया के पास आए थे चश्मे लेने के लिए। दो चश्मे ले लिया और अक्ष की शक्ल देखने वाली। चल ठीक है भैया, घर पे आ गए थे। बट कुछ और मजाक मस्ती से पहले काम आ गया, एक स्कूटी है उसको स्टार्ट करके देखना है। बहुत टाइम से बंद पड़ी थी, वो ठीक करवाई थी। तो अब उसमें अमित देखा है टाइम पास करना है क्योंकि और कुछ करने के लिए है नहीं। क्यों चाचा जी? तो चलिए उस पर धक्का मारिए, स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भे चल रहे, तो कुछ आया ही नहीं। तो चलो चचा शुरू करो। चलो हम भी हाथ लगाते हैं। चलो एक दो तीन। ये क्या था? नहीं चला, ब्रेक खाए था भाई, हम आगे चले गए थे बिल्कुल। हट ला, मैं किक लगाता हूँ। ओ एक में पकड़े भी इसमें चालू राग रहे हैं। कर रहे थे स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, कर दी ना एक ही झटके में स्टार्ट। मेरी नाक बंद है, मैंने जाटा में कुछ सुंगाई और समझ नहीं आता। अरे इसके 400 किलोमीटर का पूरे करने हैं इस पे ना, तो दो मानस पे 30-40 तो पूरे के नहीं जानी भाई इसके, वो नहीं डरे ना। ये वीडियो में का पता चले, ज्ञान की बात है, कुछ गलत थोड़ी ना बता रहे हैं। क्या सुबह से लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है इस बढ़ती ठंड के ऊपर? आप YouTube पे देख लीजिए हमारा कहना है। ले लिया हमारे भैया का ही फोन है ये, कवर बदल लिया है सर। कोई बात नहीं, आ जाते हैं कहीं। हमारे मित्र हैं राठी साहब, आदित्य राज राठी, इंस्टाग्राम पे फॉलो मत कीजिए, ब्लॉक कर सकते हैं आप। जो हमारे मित्र आलू की भीम बनाए दे, मेरे के पीछे तो देखो कौन है। हम हैं, तुम ही हो। अरे आलू आलू भैया ये वही है। तो भैया फाइनली सेटलमेंट हो चुके स्कूटी की। तो भैया कंचे खेलोगे? हमारे कंचों से खेलोगे? अरे अरे ये वाले कंचे की बात कर रहे थे भैया, देखो हमारे कंचे। कहा लो, हम दिखा रहे हैं। अरे भैया हे भैया क्या थी भाई, भैया शादी कब का था? किसका? हमारी बहना का। दीदी का? यस। पिछले महीने था, 28 तारीख का। तब के हैं लड्डू? मता नीचे का यार, बासी खवा दिए। कोई नहीं, तुम्हें फर्क पड़ा ना यार, टेस्ट तो बढ़िया था। ओ भाई ये ओपी ना, ओ भाई साहब। तो भैया जब पापा छोटे थे, जब फोन वोन तो कुछ होते नहीं थे, होते नहीं थे, होते थे पर घर वाले देते नहीं थे उस टाइम पे भैया। मतलब फॉर एग्जांपल जब हमने फर्स्ट टाइम गेम खेला था, वो सांप वाला, हाँ वो वाले गेम खेले थे। एंड लिटरली फोन मेरे को मिला था व्हेन आई वाज, जब मतलब फोन मिलते मैंने YouTube स्टार्ट कर दिया था, जब YouTube स्टार्ट करा तब से हमें फोन मिला। पूरा दुरुपयोग कर रहे हो दबा के, मतलब है ना। सो यस, तो एग्जैक्टली इस वीडियो का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यार आजकल के छोटे बाल गाने देखे हैं, बेंच पे खेल के भी सीओसी फ्री फायर और ये पागलपंती बच्चों की यहाँ खत्म होती नहीं है। मतलब यूट्यूब पे भी फ्री फायर देखते हैं बच्चे, मतलब कलयुग देख रहे हैं आप। तो दैट्स व्हाई आज ये एक चीज दिखाएंगे, ने कुछ खेला दिखाते हैं हमारे, खेला दिखाते हैं। चलो, तो आज कंचे लेके आए थे भैया, ढूंढ के लेके आए थे। मतलब हमारी जिस दुकान में मिलती थी तो वो दुकान तो बंद हो चुकी थी। आप लोगों को सीन बताऊं तो सर्दियों में क्या सीन होता था यहाँ पे, यार हम बहुत सारे बालक थे, मतलब लिटरली हर एज एंड स्टिल हिटिंग दोस लड्डूस। एनीवेज,
हाँ तो यार बहुत सारे बालक होया करते ना, तो बड़े मजे आ करते। सर्दियों में क्या करता, सीजन होया करता गेम्स का, ठीक है। सर्दियों का सीजन होया करता सुबह सुबह क्रिकेट, शाम को फुटबॉल, और दिन में फुल ऑन कंचाबाजी या फिर छुपन छुपाई। मतलब घर में कोई नहीं घुसता था यार सर्दियों में, जब छुट्टियां होती थी। अगर उस टाइम पे यार ये लॉकडाउन होता ना, हम घर में नहीं घुसने वाले थे। और आज के बालकों को देखो, इनके भी छोटे भैया हैं, वो कितने टाइम बाहर खेलते हैं। हमने तो उसे बेड के ऊपर से कभी देखा ही नहीं बाहर जाते हुए। और एक हम होते थे, घर वाले खींच के लाते थे, आ जाओ बेटा खाना खा लो पढ़ लो। और आजकल के बच्चे भाई सब बाहर नहीं। ठीक है यार, टाइम चेंजेस आई गेस। तो मित्र मंडल को बुलाते हैं एक को, जिनको कंचा खेलना है। यहाँ पे ना पिल्ले भी आए हैं, तो ध्यान से चलना है। इनकी माँ बड़ी तेज हो रखी है। 97 हिमांशु चीव सुरो आ जाओ। कॉस्ट्यूम ये हमारे प्रो प्रो कंचा प्ले कंचा सम्राट हिमांशु बच कंचे कंचे खेलना है। आजा आजा, इसमें तो नहीं जाएगा। क्यों गहरा बोल दे, चैनल का क्या नाम है रे? बेसिक इंडियन बॉय। ये यहाँ पे सब्सक्राइबर आ गए हैं। कंचा सम्राट हिमांशु सब मालूम है भाई। हिमांशु भैया को बताए थे ना, व्हाइट वाला कंचा। अच्छा व्हाइट कंचा होल्डर, एक गोल्डन आ गया था और एक सिल्वर आ गए थे। हाँ तीन रैंकिंग थी, बेसिक फिर आ गए थे सिल्वर और गोल्डन, और इन दी एंड व्हाइट कलर। व्हाइट कलर सफेद कंचो वाले, ध्यान से देखो। बोलो यार रहने दे, जो तू झूले में तो निकाल के ले रहा है यही है। इसका जिक्र मत कर तू, यही है जिसके जिसके कंचे सफेद हैं। एक लेजेंडरी कंचे आ गए थे, बेरिंग होती है ना तो झूलों के अंदर घुमाने, वो कंचे के साइज की होती है। झूले में तो कार्ड गला रहा था, बोला झूला जुड़े थे हमने कंचा खेलने। बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगाकर जो ये इन्होंने अपने अपने चरम सुख को पाने के लिए जो ये हरकतें की हैं, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। Feeling down on your luck, you're tired and stuck. Enough is enough, you gotta pick yourself up. Cause life gets hard, it might leave scars. Could tear you apart if you let it be smart. Yeah. Next week, देखते हैं यहीं पे मिलेंगे या नहीं, कोई उठा ले जाएगा क्या? चलिए, अब हमने मैच जीत ही लिया है legendary कंचों के साथ, तो अब इन्हें दफनाने का time, time to retire them. Yes. देखो guys, यहाँ कंचे दफना दिए। ओके तो बहुत मजा आया, डेफिनेटली बाहर खेल गए। एंड दिस आर द ग्लासेस दैट आई बॉट टुडे, सही लग रहा है यार ब्लॉग के अंदर मेरे को तो। बट अभी समय पता नहीं मैंने घड़ी कहाँ रख दी, तो टाइम हो चुका है 2:44 इन द आफ्टरनून। एंड मतलब बहुत टाइम पास हो गया, लिटरली मैं घर से निकला था 12 बजे के आसपास एंड अब 3 बजने को आए हैं। एंड ट्रूली स्पीकिंग पता भी नहीं चला है दोस्तों के साथ कब टाइम गुजर जाता है। एंड आई रियली मिस दोज डेज, मतलब दोज डेज आर वाज रियली फन। बट अब घर पे आ गया था एंड अब सोच रहा हूँ कि सबसे पहले तो सोच रहा हूँ फ्रेश अप हो जाता हूँ, थोड़े हाथ वगैरह धो लेते हैं, मिट्टी वगैरह के हो रखे हैं। एंड उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाते हैं, क्योंकि उसके बाद 4:30 बजे जाना थे हमारे बाइक को गाड़ी सीखने। बताता हूँ क्या हुआ था। तो अभी 3 बजे मेरे पास एक मैसेज आया था, मतलब मम्मी के पास फ़ोन आया कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो चीज़ हो चुकी है, तो इसको बोलो चेक करें। एंड उस वजह से मेरे को कंप्यूटर खोलना पड़ गया। आई फील बैड, डेफिनेटली आई फील बैड कि ये चीज़ करनी पड़ी, मैं ये चले हार गया। सो आई लेट यू गाइज डिसाइड व्हाट शुड बी माई पनिशमेंट। कोई भी चैलेंज दे सकता है, आई विल कम्प्लीट दैट चैलेंज। And to accept the challenge, I will do a random wheel, random number जो भी आएगा random number generator से उस number वाले comment का challenge मैं accept करूँगा। So
ओके सो अब फाइनली वो काम खत्म हुआ जिसमें मैं लगा होता, जिसके लिए मेरे को कंप्यूटर चालू करना पड़ा था। बट द थिंग इज मेरे को आप लोगों से कुछ बात करनी है, एंड वो बात है अबाउट मी मेकिंग वीडियोस। देखो अभी पता है क्या सीन हो रखा है, जैसे कि आज की वीडियो थी, मैंने कल रात को जो सोचा था ना कि भाई साहब जो कल रात को वीडियो सोची थी, आइडिया सोचा था कि क्या क्या करना है, नेक्स्ट लेवल था। बट पता नहीं क्यों जैसे ही शूट करने को आया, जब इन दी टाइम मतलब टाइम आया जब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, तब ठस पता नहीं वीडियो के अंदर जैसे कुछ मिसिंग है एक पार्ट है, जो मतलब रिमाइंड वीडियो के एंड में मैंने कहा था ना दैट इट्स गोना बी लिट, वो लिट गायब नहीं कहाँ गया। अपने आप पे सोच रहा हूँ कि मैं अपनी खुद की वीडियो दोबारा दोबारा देख रहा हूँ कि भाई क्या कमी है, क्या करना चाहते हैं। इन दी एंड भाई ये अपना काम है, और जैसे यार बिजनेस होता है, कोई बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो ये एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं यार, दिस इज पार्ट ऑफ द जॉब। सो वी गोना एक्सप्लोर और देखते हैं और किस तरह से रिवाइवेट कर सकते हैं अपने चैनल को, अपने कंटेंट को, एंड फिर देखेंगे। एंड जैसे पिछली वीडियो आई थी तो मतलब मैंने थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर दी थी, बहुत अच्छी एंड उतनी अच्छी नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों का लिटरली कमेंट आया था कि अच्छी नहीं। कोई बात नहीं यार, अच्छी नहीं तो क्या हुआ, सचिन हर मैच के अंदर 100 रन नहीं बनाता था, नहीं कुछ मैच में वो आउट भी हो जाता है, तो ये वही मैच है। कंटेंट बनाएंगे अलग अलग, कोई बात नहीं यार, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक है कोई बात नहीं, फिर और बना लेंगे और कंटेंट, क्या जा रहा है। नहीं मतलब जिंदगी में टेंशन क्या है, मैं 18 साल का हूँ, मेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है भाई, मैं ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यूट्यूब कर रहा हूँ, कोई बात नहीं अगर मेरा यूट्यूब नहीं चलता है 2 साल के बाद भी, कोई बात नहीं यार। लिटरली मेरे को कई लोग ना यूं मैसेज कर रहे हैं, यार मेरे को नहीं लग रहा तेरा चैनल चलेगा, तो ठीक है ना तूने, एंड आई एम ऑलवेज लाइक क्या हो गया फिर कौन सा कह टूट गया, चैनल था ठीक है नहीं चला, सो दैट्स व्हाई वी गोना एक्सपेरिमेंट सम मोर, और आप लोगों के ऊपर आपको क्या देखना है। सो या जस्ट नाउ आई थिंक आई फाइनली गॉट द पॉइंट, क्या दिक्कत है। कई चीजें इतनी आसान होती हैं फिर भी समझ नहीं आती हैं। मैंने टेंशन ज्यादा ले ली, टेंशन कहने का मतलब क्या है कि चैनल बस स्टार्ट हुआ था, बट मैंने पुश कर रखा था कि नहीं भाई कंटेंट बनाए, स्पॉन्सरशिप लेनी है, पैसा कमाना है, मैंने भाई साहब पैसे के पीछे लगता है पागल हो गया था कि भाई स्पॉन्सरशिप लेना है, पैसा कमाना है। एंड नाउ आई थिंक ऑफ यार पैसा तो पूरी जिंदगी में कमाया जा सकता है, कोई नहीं नहीं जी कोई बात नहीं यार, अगर 1-2 साल लेट जी लेंगे वो लग्जरी वाली लाइफ तो क्या हो गया। होली शिट, मेन चीज जो गायब थी वो था ये कंटेंट बनाना। मैं सोचे जा रहा हूं कि ये कंटेंट में तो कोई कमी है ही नहीं, कमी है कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा था वीडियो मेकिंग का प्रोसेस। आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि वीडियो बनानी है, आई एम नेवर थिंकिंग कि मेरे को मजे करने हैं। फक इट यार, ये चीज मेरे को लिटरली इतनी टाइम, ओ भाई इतनी बेसिक चीज में कैसे भूल सकता हूं शिट। मतलब लिटरली कुछ टाइम पहले मैंने जो बात बोली थी ना वही मैं खुद समझ नहीं रहा था कि कोई बात नहीं यार जिंदगी पड़ी है। चलो यार आज की वीडियो यहीं पे है, एंड क्या वीडियो थी और क्या बन गई कोई बात नहीं, ठीक है आज की वीडियो तुम देख लो यही थी, ऐसी ही थी। नेक्स्ट वीडियो पता नहीं कैसे होगी, बट वन थिंग फॉर श्योर आई एम गोना नाउ एंजॉय दिस थिंग, ठीक है। चाहिए मैं 70 साल की उम्र तक करूं, 80 साल तक की उम्र करूं, बट करूंगा वो जिसमें मुझे मजा आ रहा है, जिसमें मेरे को एंजॉयमेंट मिल रहा है, जिसे करने के बाद दिल से निकल रहा है, यस आई एम लिविंग माय फकिंग ड्रीम लाइफ। आई हैव अ ड्रीम, दैट्स ऑल आई नीड, आई मेक इट हैपन विद सम वर्क एंड बिलीव, नो व्हाट आई वांट सो आई टेक इट ऑन, आई मेड मिस्टेक्स बट मिस्टेक्स मेक यू स्ट्रांग, लेट्स ब्रेक इट डाउन फॉर अ मिनट, आई वांट द क्राउन आई एम गोना गेट इट, यू हियर मी लाइक मैन आई एम विनिंग, या चार्ली शीन विल बी ग्रिनिंग, दीस लेडीज नो